भी हम शिवम और मेरे पापा तीनों मिलकर हम लोग अभी जा रहे हैं काटिया बाबा आश्रम। तो चलिए देखते हैं रास्ते में कैसे कैसे जाएंगे। परेशानी होगी, अभी शाम का टाइम है तो परेशानी तो होनी ही है, लेकिन फिर भी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रास्ते में क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाते चलता हूँ। हाय से हाय हाय करो सबको, इधर इधर इधर, हाय हाय। हम लोग निकल चुके हैं, अब घर से निकलते निकलते जाना है आज हम लोग काठिया बाबा आश्रम। एक्चुअली हम लोग ये ब्लॉग पहली बार बाइक पर शूट कर रहे हैं, तो कैसे शूट करना है पता नहीं है, तो पहली बार है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग देख लेना। और दूसरी बात ये है कि हम लोग सोचे क्यों ना, पापा हमेशा काठिया बाबा आश्रम जाते रहते हैं, तो क्यों ना उनसे ही शिवम को आशीर्वाद दिलवा दिया जाए, क्योंकि ऐसे साधु बहुत साधु संत वगैरह बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं आते हैं। तो उन्हें आश्रम में अगर आपका दर्शन हो गया उनका, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बच्चे को उस हिसाब से आप देखिएगा, उसको आशीर्वाद भी मिल गया, बस ऊपर वाले की दुआ थी। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अभी आगे जाकर हम लोग कोशिश करेंगे, रुकेंगे एक जगह पर और फल वगैरह लेंगे। ये हमारा खरदा स्टेशन एरिया है, यहाँ पर हम लोग रुककर फल और फूल माला ये सब ले ले रहे हैं, क्योंकि आश्रम में जा रहे हैं तो फल वगैरह लेना है और पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत माला वगैरह ले लेते हैं। ये पापा जी मेरे फल लेकर अभी आ रहे हैं उस पार से, और अब फूल लेने जाएंगे वो, क्योंकि हम लोग बाइक पर से इसलिए नहीं उतर रहे हैं क्योंकि शिवम भागने लग रहा है, इसलिए हम लोग बाइक पर ही बैठे हैं ताकि वो इधर उधर दौड़े ना, हाथ छोड़कर भागने लगता है। तो पापा अभी फूल लेने जा रहे थे और हम लोग बाइक पर बैठे हुए थे, तब लेना हो गया। अभी हम लोग खरदा स्टेशन की तरफ में आए हैं। यहाँ पर हमेशा रेल गेट ऐसा है कि शाम के वक्त में अगर आप आते हैं तो आपका रेल गेट हमेशा बंद ही मिलेगा, तो आप टाइम लेकर आए, और जो लोग थोड़ा नए हैं वो लोग सावधान होकर गाड़ी चलाएं यहाँ पर, क्योंकि बहुत भीड़ होता है। आज फिर भी बहुत कम था, मतलब हम लोग का लकी डे था आज कि बहुत कम भीड़ था और बहुत जल्दी गेट खुल गया था, नहीं तो हमेशा हम लोग यहाँ पर जब भी आते हैं तो समझिए 15 से 20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा जाम हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें हैं, तो आपको वो चीज़ आपको सावधान रहना है, अपना टाइम हाथ में लेकर चलना है। तो अभी हम लोग आ गए हैं संध्या सिनेमा, यहाँ पर पापा को कुछ लेना था क्योंकि मंदिर में जाना है, इसलिए वहाँ पर के लिए कुछ लेना था, तो यहाँ पर हम लोग रुके और तुरंत में चलने लगे। अभी हम लोग चलते हैं, ये रोड पर आ गए हैं, अभी संध्या सिनेमा में घूमकर यू टर्न लेकर अभी आए, अब चलते हैं आश्रम की तरफ। आश्रम में आप अगर दिन में अगर मैं जाता तो आपको बढ़िया से दिखता यहाँ पर लोकेशन वगैरह में जो भी है, लेकिन रात है इसलिए चारों तरफ ज़्यादातर अंधेरा है। गली में मैं जब जा रहा था तो चारों तरफ अंधेरा था, तो आपको पूरे अंधेरा ही अंधेरा गली मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको जितना कम अंधेरे में ले जाया है, और जहाँ जहाँ लाइट था वहीं वहीं पर आपको वीडियो को कट करके आपको दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारी गलियाँ थी जो कि अंधेरे हैं यहाँ पर। अगर आप आते हैं तो दिन में आएँ तो आपके लिए अच्छा होगा, आप देख पाएंगे अच्छा से। तो चलिए अब आश्रम की एरिया में आ गए हैं हम लोग, और ये आश्रम का छोटा सा गेट है बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड से गाड़ी वगैरह घुसने नहीं दे रहे हैं, तो बैक साइड से हम लोग अंदर आ गए अभी, और ये अंदर की तरफ अभी मैं और शिवम जा रहे हैं, पापा पहले से चले गए हैं। तो पापा जा रहे हैं, पहले हाथ पैर धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग भी जूता वगैरह खोलकर अंदर की तरफ में जाएंगे। तो यहाँ पर आप आते हैं तो वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, तो टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। ये यहाँ पर हम लोग अपना चप्पल जूता जो भी खोल लेना है, उसके बाद आश्रम के अंदर में घुसना है। ये ऊपर आ गए हम लोग, अभी यहाँ पर मंदिर है। हम लोग आए थे, एक्चुअली मिस हो गया एक चीज़, हम लोग आए थे आरती देखने के लिए, लेकिन जब आए हैं तब पता चला कि आरती हो गया है, हम लोग आने में लेट कर गए,
तो ये सबसे बड़ा गड़बड़ था। मैंने सोचा था कि आप लोग को भी आरती दिखा दूंगा, लेकिन आने के बाद मैं पहले आया था यहाँ पर, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर तो एक कुछ स्टिकर वगैरह लिखा हुआ है कि आप वीडियो और पिक्चर वगैरह जो भी हो आप नहीं ले सकते। इसलिए मैंने कैमरा जल्दी से, जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने ऑफ़ कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जब मना है तो नहीं लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि जो रूल्स वगैरह बनाए हैं तो वो ठीक होता है, कुछ सोच कर ही बनाए हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद, यहाँ पर वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि ये इनका रूम था, तो छोटा सा पिक्चर इनसे पूछ कर ही लिया गया। मेरा बेटा कभी भी मिठाई नहीं खाता था, तो बाबा जी ने दिए, जब भी पूछे वो कि मिठाई खाएगा ये, मैं बोला कि नहीं मिठाई तो खाता नहीं है, ये फेंक देता है जैसे ही मुँह में डालते हैं, तो बोलते हैं देखते हैं अभी हम देकर देखते हैं खाता है कि नहीं। लिया और देखिए मुंह में सबूत है, खा भी रहा है, तो अच्छा लगा ये चीज़ कि कभी मिठाई नहीं खाता था, आज वो अभी मिठाई खा रहा है वो। तो यहाँ पर वो बहुत बहुत देर तक इधर उधर खेल रहा था, लेकिन अकेला था और अंधेरा है ये एरिया, आप देख लो पूरा अंधेरा है, तो इस कारण से यहाँ पर आप उसको कैसे खिलाते। लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के कभी भाग जा रहा था, कभी हाथ छोड़कर मुझे हाथ पकड़ के टांगता था, और कभी हाथ छोड़ के भाग जा रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उसको खेलने का मौका दिए हम लोग ताकि वो खेल सके। ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा था कि उसको गोद में लेकर घुमाऊँ, क्योंकि अंधेरा है, अगर दिन में रहता था चलो इसके साथ में घूम लेते हैं, क्योंकि इसको जब से ये चलना सीखा है ना तब से ये घूमने के लिए बड़ा इच्छुक रहता है कि मैं खुद से चलूँ, मैं खुद से हाथ पकड़ के घूमूँ। और ज़्यादातर देखिएगा मेरा हर एक वीडियो में वो हाथ पकड़ के घूमने की कोशिश करता है, ऐसे नहीं। अभी यहाँ पर इसको छोड़े हैं तो अपना घूम रहा है जैसे ही, लेकिन एक चीज़ देखा है कोई भी अगर आ जाते हैं ना तो ये रुक जाता है, ये कौन है भाई, अननोन पर्सन को देखते के साथ ही रुक जाता है, और शायद डर जाता होगा या कुछ बात है, अभी तो छोटा है बताता नहीं है। लेकिन हम भी देखते हैं कि ठीक है ये तो अच्छी तरह है। अब ये खाने के बाद इसको इतना भूख लग गया कि खेलते खेलते भूख लग गया भाई, तो चलो दूध भी लेकर आया था मैं, इसको दूध पिला दिया, दूध पी रहा है अभी, तो सब कुछ लेकर आए थे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। अब लोग हम लोग यहाँ से चल रहे हैं घर की तरफ जा रहे हैं, कि मतलब यहाँ पर जो भी था क्योंकि आरती का ही मेन था, अब वो तो मिस हो गया, तो इसलिए हम लोग वापस जल्दी से ही, मतलब फिर भी वहाँ पर रहे थे, बच्चा खेल रहा था तो उसको खिला रहे थे हम लोग, और पापा जी साधु जी से बातचीत कर रहे थे और हम लोग आपस में खेल रहे थे, तो जो भी साधु जी आ रहे थे जिसके साथ भी खेल रहे थे सभी लोग, क्योंकि वो उस वक्त में अकेला ही था, कोई बच्चा वच्चा नहीं गया था वहाँ पर, और तो सभी लोग मजा कर रहे थे। ये लीजिए मैं वापस घर आ गया, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, गुड नाइट।